serials like Jhansi Ki Rani, Veer Shivaji, Mahadev, and Hindi films like Hansa Ek Sanyog, The Forest Night. And he was very enthusiastic about this unique theme of Maulana's life, which was in fact the need of the hour as a national subject, as he felt. पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला पर्दे पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम पढ़ाया गया है स्कूल में, जब हम थे कॉलेज में थे शायद। और इसके जो राइटर और डायरेक्टर जो हैं सर संजय राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इतना डिटेल में वर्क किया इस फिल्म के बनाने से पहले, तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस महान इंसान के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए, जो नहीं पता चल पाया आज तक। और ये फिल्म बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म हर एक स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताई जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि एक तो हमारे पहले एक क्रांतिकारी तो है ही, पर एक हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने पढ़ाई में उन्होंने जो कितनी तकलीफ मेहनत करके इतनी सारी लैंग्वेज सब कुछ सीखा, तो ये हर एक इंसान को और हर एक बच्चे को पढ़ा दिखाना चाहिए बचपन से ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैसे बने। आप लोगों ने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर, क्योंकि एक बायोपिक जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता भी है लोगों को, तो आपने उसको कैसे दिखाया फिल्म में और क्या प्रिपरेशन किया आपने अपनी तरफ से, अगर कुछ बताया। ये तो बहुत कठिन काम था, किसी बायोपिक पिक्चर को बनाना आसान काम नहीं है, तो हमने इसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया, कई किताबें देखी, कई जगहों पे गए, लाइब्रेरीज में गए, कहाँ कहाँ ढूंढते ढूंढते कम से कम 4 साल तो लगा हमको रिसर्च करके इस चीज़ को तैयार करने में। 4 साल बहुत बड़ा समय होता है, और क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल अनूठा है, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी अनूठा है, इनके जैसा कोई भी राजनीतिज्ञ अभी तक कोई भी नेता आज तक नहीं देखा मैंने, न महसूस हुआ मुझे। इन्होंने जब ये कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, मुसलमान बाद में, इससे पता चल जाता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनके ऊपर काम करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा कठिन काम था, और इसलिए मुझे बड़ी सावधानी के साथ कई कई जो विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके ऊपर लिखा है, उनके लेखों को, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा, और एक एक चीज़ को मैंने नोट किया कि क्या क्या चीज़ लेने लायक है और क्या क्या चीज़, मतलब हमारी फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमको सूट करती है दर्शक के लिए और जो देखने वाले लोग हैं, और यहाँ तक के इतिहास को भी हमको बिल्कुल इंटैक्ट रख के आगे बढ़ना था, कि कहीं कोई ऐसी चीज़ गलती ना हो जाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ हमने इसको रिसर्च करके पटकथा के रूप में तैयार किया। कठिन काम था, बट आज मुझे लगता है कि हमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये देश के बच्चों के लिए, आज के जनरेशन के लिए एक शिक्षाप्रद फिल्म साबित होगी। तो ये फिल्म है, तो आपने जैसे बताया कि आपने पूरा सर्च करके किया, लेकिन उसमें कोई ऐसे सीन जिसे आपने सोचा होगा है लेकिन आपने हटाया होगा कहीं इस पे भी बात ना हो। मौलाना आज़ाद कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे कि इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए,
वो बिल्कुल ही सीधे साधे आदमी थे, सच को सच मानते थे, सही को सही मानते थे, गलत को गलत मानते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को भी, उनका अगर कोई प्रपोजल होता था कोई, तो बोलते थे कि गांधी जी अगर इस बात को हम ऐसे प्रेजेंट ना करके ऐसे प्रेजेंट करें तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ये बात बहुत बड़ी थी उस ज़माने में, गांधी जी के सामने किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाए कि गांधी जी आप ऐसे नहीं, ऐसा कीजिए तो ज़्यादा रिपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा अंजाम मिलेगा, कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। तो इतने स्पष्ट वक्ता थे वो, तो ऐसे स्पष्ट वक्ता के बारे में कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती, कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। फिर भी हमने बड़ी सावधानी बरती है कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वाक्य न निकल जाए, कोई ऐसा डायलॉग के रूप में, ताकि आगे चल कर उसमें कोई कठिनाई पैदा हो जाए। हमने इसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखा है। हाँ, सबसे पहले डर तो ऐसी बायोपिक और इतने महान इंसान का तो किरदार निभाना, तो जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता था तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने देखा, उनको पढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर YouTube पे और उस पर देखा तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही रिकॉर्डेड है, बाकी कुछ है नहीं। तो उनकी किताबों में उनके जेस्चर पोस्चर है, वो कैसे खड़े रहते थे, कैसे उनका बैठने का तरीका था, तो वही मिलता है। तो उसको मैंने सब रिसर्च कर करके अपने एक्टिंग में उसको मैंने किया। फिल्म तो कैसे मिली मैंने, तो मैं बोलता कि ये फिल्म जब बना रहे थे तो मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तो उसमें एक मोहम्मद अली जिन्हा का कैरेक्टर है, तो सीन बहुत ही कम है पर अच्छा है। तो मुझे तो जिन्हा का कैरेक्टर, ऐसे भी दो सीन हो तो भी वो क्या है कि उन जो उनका ये है व्यक्तित्व, तो मैं उनका हाँ चलो जाता हूँ, तो इनसे मिलने आया सर से। तो उन्होंने मुझे देखा तो देख कर कहा कि नहीं, आप जिन्हा के लिए फिट नहीं है। मैं बोला ठीक है। फिर सर से बातचीत होती रही 10-15 मिनट, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मैंने क्या किया है, क्या उनसे बारे में उन्होंने जानकारी ली, और वो बुक खंगालते रहे। फिर थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद उन्होंने बताया कि आप जिन्हा के लिए तो नहीं है, लेकिन हम आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए सोच रहे। उसके बाद उन्होंने मेरे 4-5 ऑडिशंस लिए, फिर उन्होंने वर्कशॉप लिए, और फिर मुझे ये रोल मिला। मैम बेसिकली देखा जाए तो हमारे लिए तो भाई के हिसाब से नाम लगा, और चैलेंज तो हर जगह होता है, लेकिन ये बायोपिक थी और वैसे मौलाना आज़ाद के बारे में तो मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी और उनका साथ रहा प्रत्येक दिन डिस्कस करते थे, शूटिंग के बाद भी डिस्कस करते थे, घर पर जाने के बाद भी फ़ोन पर भी डिस्कस होता था कि क्या मतलब नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है हमारा, हम किस तरीके से क्या करें क्या है। तो दिक्कतें भी काफ़ी आई क्योंकि वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उस समय का जो पीरियड है, और आज के टाइम पे हम सब चीज़ को मैनेज भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की है कि कैसे कैसे हम लोग उसको मैनेज करें, क्योंकि उस समय की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस समय का जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उस समय का जो सारा माहौल था उसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी एक यहाँ तक पहुँचे। तो बाकी ट्रेलर के हिसाब से आपको लगा होगा कि जो भी है सामने का। देखिए सर, एक तो आप देखिए सर, क्या गुड फोर्स है, क्या लाउडली बोली ना, आवाज लैंग्वेज पे तो ये था कि सर जो हैं उनको उनको उर्दू अच्छे से आती है, उन्होंने पूरा उर्दू में पढ़ा भी है और उन्होंने लिखी हुई है, तो वो एक एक चीज़ को वो मेंटेन करके चल रहे थे। साथ में इन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है इस पीरियड में, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो उस वीक में उनका वर्कशॉप चालू था। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेज के लिए वो एक एक चीज़ को देख रहे थे। फिर जो भी हमें लगा कि कहीं ऊपर नीचे है, तो हमारी डबिंग जब हुई, हम पोस्ट पे आए, तो पोस्ट के दौरान हमने उसको उस चीज़ को जो भी करेक्ट करना था वो करेक्ट करके फिर आज मतलब तो उर्दू का एक ऐसा चीज़ है कि उर्दू अगर आप बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसको अलग तरीके से बोलना पड़ता है, जो मुझे भी मैं अभी तक बताऊँ तो मुझे भी नहीं आती कि कैसे कैसे बोला जाता है, लेकिन वो थे उन्होंने एक एक चीज़ को पकड़ के रखा था कि किस शब्द को कैसे बोलना है, किस शब्द को कहाँ से उठाना है, गले से बोलना है कि पेट से बोलना है कि जीभ से बोलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता थी, तो उन्होंने सारी चीज़ पर हर जगह पर वो हेल्प की। तो
लोकेशन मैम हमने एक तो मुंबई में किए हैं, फिर हम कलकत्ता गए, दिल्ली में हमने शूट किया, बाकी ये था कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता। एक्चुअली जो कांग्रेस थी वो एक आदमी की कांग्रेस नहीं थी, कार्यकारिणी की कांग्रेस थी, और कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे सबको हमने इसमें सब रखा हुआ है, चाहे पटेल हो, राजा जी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, सीतारमैया हो साउथ के, चाहे मोतीलाल जी हो या पीसी घोष हो, ये जितने बंगाल के, महाराष्ट्र के, किरलानी, सब लोगों का नाम इसमें दिया, सब ने रोल किया हुआ है इसमें, इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 12-13-14 कैरेक्टर्स हैं इसमें, वो सबको हमने रखा है, और ये सबके सब मान लेंगे कि हीरो तो मेन सुपर हीरो ये हैं, बाकी 10 हीरो वो लोग हैं, वो वर्किंग कमेटी। जी बेसिकली यही है, बेसिकली ये फोटो है, इसमें बैकग्राउंड में हमने तिरंगा रखा है, तिरंगा उस ज़माने में, देखिए उस ज़माने में तिरंगा का रंग कुछ और ही था, चरखा था, बाद में उसे अशोक चक्र आया, ये आज़ादी के बाद की बात है, उसके पहले चरखा था, तो हमने भी लिया है क्योंकि मौलाना जी आज़ादी के बाद तक थे, और उस वक्त जो तिरंगा था उसमें अशोक चक्र था, उस अशोक चक्र का इसमें जिक्र किया गया है।